हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ ज्ञानेन सिंह सिब्बू और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ए टू जेड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमामी की रिफाइंड ऑयल और कच्ची घानी तेल, यानी सरसों तेल और रिफाइंड तेल के बारे में, ऑयल के बारे में बात करने वाले हैं हिमामी कंपनी के। वैसे ऑयल पी की हमारी पहली वीडियो है, बहुत ज़्यादा भर भर के कमेंट आए थे, काफ़ी लंबे टाइम से कमेंट आ रहे हैं कि सर रिफाइंड तेल पर वीडियो बनाइए। तो क्योंकि हिमामी ऐसा ब्रांड है जो कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही अच्छे से बिकता है और नो डाउट काफ़ी अच्छी क्वालिटी देता है, चाहे वो रिफाइंड ऑयल हो या फिर कच्ची घानी का हो, ठीक है, दोनों में काफ़ी अच्छी क्वालिटी देता है। और बात करेंगे आज हम 500 ml और 1 लीटर वाले रिफाइंड ऑयल और 501 लीटर वाले कच्ची घानी सरसों तेल के, दोनों के प्राइस आपको बताने वाले हैं, पूरे कार्टून की अनबॉक्सिंग करेंगे, कितने पीसेज होते हैं, कितने किलो के होते हैं, कितने होलसेल में पड़ता है, कितना रिटेलर को बेच सकते हैं, कितनी इस टाइम चल रहा है हिमामी सरसों तेल और रिफाइंड का होलसेल रिटेल प्राइस, ठीक है। वीडियो बहुत ज़रूरी है, पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया था इस वीडियो पे बनाने के लिए, रिफाइंड और सरसों के तेल पे वीडियो बनाने के लिए बहुत लोगों ने कमेंट किया था। दोस्तों, तेल के जो प्राइस होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रहे हैं और आज से नहीं, अब तक का सबसे महंगा तेल रिफाइंड लोग खरीद के खा रहे हैं आज की डेट में, ठीक है, और ये प्राइस अभी भी बढ़ने वाला है आगे भी चल के, क्योंकि घटने की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। इस वजह से ये कह पाना कि ये प्राइस कब तक रहेगी ये डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये वीडियो ना जाने कौन 2022-23 कब देखेगा उसकी कोई मतलब किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो ये चीज़ बताना भी बहुत ज़रूरी है, नवंबर 2021 की प्राइस है जो मैं बताऊंगा, क्योंकि हर रोज़ प्राइस बढ़ रही है घट रही है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं हिमामी की रिफाइंड ऑयल और सरसों तेल आधा लीटर एक लीटर की होलसेल रिटेल प्राइस और मार्जिन। तो दोस्तों, देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये रिफाइंड जो कि है 500 ग्राम वाला, ये एक लीटर और ये आपका कच्ची घानी एक लीटर और ये कच्ची घानी आधा लीटर, यानी ये चारों पेटी की जो कि आधा लीटर और एक लीटर में है। तो इसकी हम होलसेलर रिटेलर प्राइस बताने वाले हैं। उससे पहले तो सबसे पहले हम रिफाइंड की एक लीटर वाले पेटी को हम आपको खोल के दिखा देते हैं कि इसके अंदर की पैकिंग कितनी होती है और कितना होता है, इसके बाद हम इसकी प्राइस को बताते हैं। तो जैसे दोस्तों, इसमें 12 लीटर होता है, 12 लीटर या 12 लीटर होता है और कुछ इस तरीके की खूबसूरत पैकिंग में आता है, देख सकते हैं। डिब्बे की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, टेस्टी एंड हेल्दी हिमामी, ठीक है, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, ये एक लीटर में पूरी तरीके से आता है एक लीटर में। और बात करते हैं वाले को खोल के हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों, तो आधा लीटर वाले में देख सकते हैं। तो ये भी दोस्तों, ये एक लीटर वाला जैसे कि 12 में आता है तो ये 24 में आता है, 24 पीस का पूरा पेटी होता है, देख सकते हैं। और कुछ इस तरीके का ये भी सेम टू सेम वही पैकिंग होता है, बस केवल ग्राम में चेंजिंग होती है, ठीक है। तो इस तरीके का देख सकते हैं, 4 4 8 4 12 12 24, ठीक है, 24 होता है। इसके बाद हम आते हैं सरसों के तेल पे एक लीटर वाले, तो इसको हम अनबॉक्स कर पहले खोलते हैं और इसके बाद हम आपको इसकी होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस और मार्जिन सारा कुछ बताते हैं। यार, वीडियो को पूरा देखना, करिए, बहुत ज़रूरी होता है वीडियो को पूरा देखना। अब दोस्तों, इसमें भी आपको 12 लीटर सरसों के तेल आते हैं, देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके की पैकिंग होती है और एक पैक हम आपको दिखाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त पैकिंग होती है। ये है हिमामी की टेस्टी एंड हेल्दी कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सरसों के तेल, यानी आधा लीटर वाले की अनबॉक्सिंग करते हैं और इसमें देखते हैं। तो इसमें दोस्तों सेम वही चीज़, उसमें 12 लीटर, इसमें 24 लीटर रहता है और एक पीस आप देख सकते हैं, सेम वही चीज़, वही पैकिंग, बॉटल भी वही, डिज़ाइन भी वही, सब कुछ बस ये। तो अब ये आपको आधा लीटर वाला सरसों के तेल, एक लीटर वाले सरसों के तेल, एक लीटर वाली रिफाइन और आधा लीटर वाली रिफाइन, अब इन सब की होलसेल रिटेल क्या प्राइस होगी, तो ये बराबर आपको कैलकुलेट करके अच्छे से बताते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिफाइन एक लीटर, यानी इस पूरे बॉक्स की एक लीटर वाली रिफाइन आपको कितने में पड़ती है। तो दोस्तों, ये आपको पड़ती है 1690 रुपए में, 1690 में आपको 12 लीटर पड़ता है, यानी एक पीस की जो कीमत है, इस एक पीस की कीमत वो 140 रुपए 83 पैसे एक होलसेलर को पड़ता है, जो होलसेलर है, ठीक है, जो पेटी लेता है।
इसके बाद अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप रिटेलर को आराम से 145 रुपए में, क्योंकि रिफाइन वगैरह में होलसेलर को बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होती, फिर भी अगर हम बताएं तो 4 रुपए ठीक ठाक है, आप मार्जिन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मार्जिन अलग अलग होती है। कोई कोई होलसेलर 1 रुपए पीस पे भी रख के बिजनेस करता है, कोई 2 रुपए, कोई 3 रुपए, कोई 4 रुपए, तो सबकी यार अलग अलग है, ठीक है। तो ये कमेंट मत करिए, ये सिर्फ वीडियो आपको एक जानकारी के लिए है कि आपको एक जानकारी हो जाए, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन का है। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये रिटेल में बहुत, अब इस पर जो प्रिंट है ना वो 210 रुपये प्रिंट है, लेकिन क्या 210 रुपये के पूरे देश में कहीं पे भी आपको 210 रुपये में मेरे जहाँ तक नॉलेज है कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 145 रुपये रिटेल, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 100, तो होलसेलर 145 रुपये एक रिटेलर को बेच सकता है। अब रिटेलर इसे चाहे अब जितने में बेचे, क्योंकि नॉर्मल अगर बात किया जाए तो 160 से 180 के बीच में रिफाइन आज की डेट में बिक रही है, 160 से 180 के बीच में, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आधा लीटर वाली, यानी कि आधा लीटर वाले जो 500 ml वाले, इसकी होलसेल प्राइस क्या है। तो इसकी जो होलसेल प्राइस है दोस्तों वो है 1720 रुपये, ठीक है। अब इसमें 24 बाटल हैं आपके, ठीक है, तो 24 बाटल है, यानी एक पीस जो है वो आपको 71 रुपये 66 पैसे पड़ गई, ठीक है। और इसकी प्रिंट की बात किया जाए दोस्तों तो 108 रुपये, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत ही हल्का लिखा है, 108 रुपये इसकी प्रिंट, ठीक है। अब लेकिन यार ये अब होलसेलर को 75 रुपये में एक होल, जैसे 71 रुपये कुछ पैसे एक होलसेलर को पड़ा, तो रिटेलर को 75 रुपये ये पड़ेगा। अब ये 80, 85, 90 जितने में एक रिटेलर बेच दे अपने आसपास की, जो उसके एरिया में रेट चल रहा होगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है ये, क्योंकि इसकी कोई फिक्स प्राइस नहीं होती है, बढ़ता घटता है। मान लीजिए कोई अगर लेके गया, सपोज दैट इसको कोई लेके गया 75 रुपये में और रिफाइन का रेट बढ़ गया, तो क्योंकि इस पर 108 रुपये प्रिंट है, अगर 5 रुपये बढ़ गया, अब 80 रुपये उसकी खरीद हो गई, तो जाहिर सी बात है वो इसे 85-90 रुपये में बेचेगा, ठीक है। तो इसकी कोई फिक्स प्राइस नहीं होती, इस वजह से वीडियो में कमेंट ना करिएगा कि ये चीज़ है यहाँ पे, यहाँ पे हो सकता है अलग अलग जगह अलग अलग प्राइस हो सकती है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बनाया जा रहा है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों तेल की, जो कि इसकी बात करें तो इसकी जो पेटी है वो आपको कितने में पड़ेगी, तो 2140 रुपये इसकी होल सेल प्राइस है, 2140 रुपये इसकी होलसेल प्राइस है 1 लीटर कच्ची गाने का, ठीक है। 12 लीटर होते हैं इसमें, यानी 178 रुपये 33 पैसा ये आपको इस टाइम पड़ेगा होलसेलर को, और 182 रुपये में ये एक रिटेलर को बिकेगा, 182 से 185 रुपये में ये एक रिटेलर को एक होलसेलर दे सकता है। 190 से लेकर 200 रुपये तक आज के डेट में सरसों के तेल जो हैं, टेस्टी एंड हेल्दी की बात किया जाए, हिमामी की, तो ये मार्केट में बिक रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लिया जाए आधा लीटर, यानी इसकी बात कर लिया जाए कि ये इसकी पूरा बॉक्स कितने में आएगा, ठीक है। तो इसकी जो पेटी है वो 2186 रुपये में आएगी, और इसमें आपको 24 मिल जाते हैं, यानी एक पीस की जो कीमत है वो 91 रुपये है। तो जाहिर सी बात है ये 100 रुपये में बिकेगा, तो ये भी आपको 200 में बिक जाएगा रिटेल में, ठीक है। अब एक होलसेलर को ये पड़ गया इतने में, तो आराम से ये 93 रुपये में ही बिकता है, ज़्यादा नहीं बिक पाएगा, 93 रुपये में एक रिटेलर को पड़ गया। तो आपके क्षेत्र में इसकी क्या प्राइस है, अगर आपको नॉलेज है कि आपके क्षेत्र में टेस्टी एंड हेल्दी रिफाइंड या फिर टेस्टी एंड हेल्दी कच्ची घानी का तेल जो अगर आप बेचते हैं क्या रेट बेचते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप कमेंट में ज़रूर करिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, अगर आपको समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। और अगर आप नए हैं, पहली बार हमारे चैनल को विज़िट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको बिज़नेस से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, और इस तरीके से किराना जनरल स्टोर प्रोडक्ट के सभी प्रोडक्ट की हम होल सेल रिटेल प्राइस बताते रहते हैं, ताकि आपको जानकारी भी हो जाए, और जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो, और बिज़नेस के ट्रिक्स कैसे आप बिज़नेस बढ़ाएंगे, कैसे आप बिज़नेस में सफल होंगे, सारी चीज़ों पे हम बात करते हैं दोस्तों, सिर्फ प्रोडक्ट के लिए नहीं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।